नमस्कार। खबर मोहल्ले में आज हम दिखाने जा रहे हैं जमुई नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 का हाल। ये देखिए यहाँ पे जो गंदगी दिख रही है आपको, हमारे सामने वो गंदगी दिख रही है आपको, जिस तरह से यहाँ गंदगी का हमारे यहाँ पे पानी का जल जमाव होता है। ये एक बानगी है सिर्फ इस जगह पे, यहाँ कई और ऐसे जगह है जहाँ पे हम पानियों का जल जमाव दिखाएंगे। और इस जल जमाव के बीच लोग बच्चे खेलते हैं, बीमार पड़ते हैं, मच्छरों का आतंक यहाँ पे लोगों का रहता है। और सामने एक मकान दिख रहा है आपको जिसकी दीवार इस पानी की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बताया जाता है कि यहाँ पानी का निकास नहीं, जिस वजह से यहाँ पे इस मोहल्ले के कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस जल जमाव से उन्हें क्या समस्या होती है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से। समस्या यह है कि संपूर्ण बच्चे इस जगह खेलते हैं और बीमार पड़ते हैं, इसका कोई निदान नहीं हो रहा है। इसका जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं सरकार इसका निदान करे। जल जमाव से हमारे मोहल्ले में वार्ड नंबर 6 में प्रभावित बच्चे कई बीमार पड़ते हैं, उसकी इलाज भी नहीं ठीक से हो पाती है और न कभी मच्छर का भी मारने का उपाय किया जाता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि से इसकी शिकायत की गई है? जनप्रतिनिधि हमारे मोहल्ले में ही बगल में रहते हैं और उनके सामने रोज की नजर का ही बात है, इसलिए जनप्रतिनिधि से हम लोगों का भी अनुरोध है कि इसका उपाय जल्द से जल्द करें। क्या वजह क्या है, जल जमाव का क्या वजह माना जा रहा है? यह जल जमाव का वजह है कि एक तरफ हमारे खड़े होने के पूरा साइड जितना भी घर है सबका पानी इसी में जमा होता है। तो नगर परिषद के द्वारा पानी के निकास का कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा? नगर परिषद के लिए आधा पार्ट में निकासी का पानी का व्यवस्था हो गया है और आधा पार्ट यूं बचा हुआ है जिसका कोई उपाय नहीं हो रहा है। नगर परिषद के द्वारा आधे मोहल्ले के पानी का निकास किया गया है, आधे मोहल्ले को छोड़ दिया गया है, जिस कारण आधे मोहल्ले के लोगों को परेशानी होती है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या समस्या होती है। जल जमाव से जो है सबसे पहले बारिश के दिनों में कई घरों में पानी प्रवेश कर जाता है और इस मोहल्ले के करीब 50 से अधिक घरों के लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बाहर बारिश के दिनों में उसी गंदे पानी में प्रवेश करके निकलते हैं और बीमारियों का प्रकोप काफी तेज होता है, मच्छरों का आतंक भी काफी तेज रहता है सभी मौसम में। आप दिन में भी बम्बई कॉलोनी मोहल्ले में सोएंगे तो आपको क्वाइल जलाना होगा, लिक्विडेटर जलाना होगा, ऐसे आप नहीं सो सकते हैं। जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम विकास करते हैं, मानते हैं, लेकिन जल जमाव एक भीषण समस्या है इस वार्ड की, जिससे निजात के लिए लोग आज भी कई ऐसे घर हैं जिनके घरों में पानी प्रवेश कर जाएगा अगर उस पानी को रोका नहीं गया तो। जल जमाव की समस्या है, इस मोहल्ले का नाम मुंबई कॉलोनी बताया जा रहा है, क्या लगता है कि मुंबई कॉलोनी इसको बोला जा सकता है इस स्थिति को? ना, हमको नहीं लगता है क्योंकि जो बहुत विभत्स स्थिति है, लोग बच्चे को खेलने के लिए जगह नहीं है, देखिए बच्चे खेला करते थे फील्ड है वहाँ पानी जम गया है और कई प्रकार के कीटाणु जो है बारिश के दिनों में तो बड़े बड़े कीड़े घरों में प्रवेश कर जाते हैं लोगों के, बहुत बुरी स्थिति है। भैया यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरह से जल जमाव, ये तालाब का नजारा जो दिख रहा है ये तालाब नहीं था, बताया जाता है कि ये फील्ड है, यहाँ पे बच्चे खेलते थे। हम यहाँ कुछ खेल नहीं पाते हैं, खेलते तो सारे कीटाणु इधर आ जाते, इसलिए यहाँ मिट्टी हम लोग ने दी है कि ये भी ना भर जाए और घर के अंदर पानी ना घुस जाए हम लोग के। तो पहले बहुत बड़ा फील्ड हुआ करता था, आज मिट्टी डालने के बाद एक छोटा सा जगह बच गया जिसमें आप खेलने को भी बस हैं। यस सर, हम लोग खेल कुछ नहीं पाते, क्रिकेट यहाँ पे पहले क्रिकेट का पिच था, शॉर्ट पिच था, हम लोग खेलते थे, अब इस पानी जमा होने के कारण हम लोग कुछ नहीं खेल पाते हैं। जो वार्ड कमिश्नर हैं वार्ड, वो जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं और ये विकट समस्या है। मंत्री जी से भी मैंने जो है सो इस संबंध में बात किया था, मंत्री जी भी भेजे जो है सो जिला परिषद के जो है सो जो अध्यक्ष थे वो लोग आए देखे और इससे जो है कुछ निजात नहीं निकल रहा है। मोहल्ले में जो है सो रहने वाले काफी कष्ट में रहते हैं, मच्छरों का प्रकोप बढ़ता रहता है हमेशा, जो है दिन में भी लोग जो है सो मच्छरदानी लगा के सोते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे सब खेलते थे, हमारे बच्चे सब भी मोहल्ला में खेल नहीं पाते, रोड पर खेलते हैं, दुर्घटना कभी भी घट सकती है बच्चे सब के साथ में, ये बहुत विकट समस्या है मोहल्ले के पानी निकासी का जो है, इसलिए हम चाहेंगे। मैंने सिविल SDO से भी बातचीत किया था, आवेदन भी दिया सभी लोग जाकर के, और आज तक सिविल SDO जो है इस पर कोई तरह की जो है समस्या का हल नहीं निकाल पाए। जो स्वच्छता के अभियान भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रहे हैं, इस योजना को कागजी रूप में ना होकर एक जमीनी रूप पर उतरने की सरकार कोशिश करे और हमें ताकि यहाँ के बच्चे खेल सके, यहाँ के
जनमानस स्वस्थ रह सके, और आप लोग के प्रयास का मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या लगता है बरसात के समय में यहाँ क्या स्थिति होगा? अब तो बरसात नहीं है, उसके बाद जब इस तरह का नजारा यहाँ पे, तो बरसात के दिनों में यहाँ के लोगों का निकलना कितना मुश्किल होता होगा? निश्चित रूप से जब आप ये दिसंबर का महीना में ये स्थिति है, जब जुलाई या जून जुलाई बरसात के महीने में, तो यहाँ का स्थिति और भयावह होती है। आप जो इससे पहले जो वहाँ का जो गड्ढा था वहाँ पानी भर जाता है, अभी तो बहुत सूखा हुआ स्थिति है, तो बरसात में ये समस्या और बढ़ जाती है, और यहाँ इस मोहल्ले के आदमी को और दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो जमुई नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले मुंबई कॉलोनी एक बहुत बड़ा भूभाग माना जाता है, यहाँ की जनसंख्या भी अच्छी खासी है, उसके बावजूद नगर परिषद के द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। ऐसे में यहाँ के लोगों का जीना दुभर हो रहा है। मनीष कुमार, जी मीडिया, जमुई।